ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष बृहस्पतिवार दशमी तिथि शतभिषा नक्षत्र दिन में 12:15 तक लगा रहेगा। तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, साहसी, गंभीर और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, अनुशासन प्रिय, आशावादी और महत्वाकांक्षी होते हैं। यह व्यवहार कुशल, दूसरों से काम निकालने में निपुण, मितव्ययी, विज्ञान, तकनीकी तथा शिक्षा शास्त्रों में रुचि लेने वाले, ईश्वर भक्त, यात्रा प्रिय, सम्मान और कीर्ति पाने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बृहस्पति और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन भर कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए पिछले दिनों की चली आ रही भ्रम की स्थिति में दिन में 12 के बाद सुधार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल जारी रहेगी। घरेलू तनाव और अविश्वास की स्थिति में भी सुधार मिलेगा। साझेदारी के काम में लाभ की स्थिति पैदा होगी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। जो काम रुक रुक कर हो रहे थे उसमें सहूलियत मिलेगी। कार्य योजनाओं में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे और विकास की दर तीव्र होगी। सरकारी कर्मचारियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अधिकारियों का मन मुताबिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और पहले की चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में राहत का संकेत मिलता है। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के सुधार और विकास के प्रति केंद्रित रहेगा। अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित मात्रा में दोपहर के बाद मिलने लगेगा। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अपने कार्य योजनाओं में आवश्यक दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के मामलों में अच्छी खबर मिलने का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटों को दूर करने के प्रति ध्यान केंद्रित रहेगा। अधूरे काम पूरे होंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। नई कार्य योजनाओं में साझेदारी लाभदायक रहेगी और कुछ कामों को संपन्न होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अचानक आर्थिक लाभ की स्थिति संभावित है, मगर सहोदरों के साथ मानसिक तालमेल में कमी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, साथ ही धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दोपहर बाद कुछ मानसिक जटिलताओं का दौर खत्म होगा, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक तनाव, खर्च और भाग दौड़ संभावित है। साझेदारी के कामों में यात्रा या प्रवास की स्थिति बनती है, मगर कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव और विकास की संभावना बनी रहेगी। कुछ उद्देश्यों के प्रति मन संकित रहेगा, मगर अंततः सफलता मिलती जाएगी। व्यावसायिक सुधार और कार्य क्षेत्र के प्रति दक्षता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित होगा और संबंधों में मधुरता बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए दोपहर के बाद का समय ऊर्जावान बनाएगा और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। सही निर्णय लेने में जीवन संगिनी का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। नई कार्य योजना और साझेदारी के कामों के लिए समय अनुकूल रहेगा और संबंधित मामलों में प्रतियोगिता की भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में और वैवाहिक प्रयासों में सफलता का संकेत मिलता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं और मानसिक दबाव पर केंद्रित होगा, साथ ही साथ मां के स्वास्थ्य के प्रति चिंता लगी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और साझेदारी के नए प्रस्ताव लाभदायक होंगे।
मगर निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और अन्य मामलों में आपके प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक सुख शांति के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल और रचनात्मक प्रयास अपेक्षित है। तुला राशि के जातकों के लिए दोपहर बाद कार्य क्षेत्र में रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी। कार्य योजनाओं में पैदा हो रही जटिलताओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। साथ ही नई कार्य योजनाओं के लिए अधिकारियों का सहयोग और आवश्यक दिशा निर्देश मिलता जाएगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सफल होंगे। नए रिश्तों की शुरुआत होगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दोपहर बाद पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी और पहले की चली आ रही परेशानियां, तनाव और मानसिक जटिलताओं से राहत मिलेगी। कुछ बहुप्रतीक्षित काम होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से सफलता हासिल होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके परिश्रम का पूरा लाभ मिल सकता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। सावधानी अपेक्षित है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में होने वाले प्रयासों और उसके प्रति सफलता की ओर संकेत करता है। आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा। चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में है। काम के प्रति थोड़ा भी प्रयास करेंगे उसमें पूर्ण सफलता की उम्मीद बनी रहेगी। नई कार्य योजना और साझेदारी के प्रस्तावों में भी लाभ की उम्मीद बनती है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर किसी महिला विशेष की भूमिका से कार्य क्षेत्र में व्यवधान का संकेत मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के नक्षत्र की भूमिका मन मुताबिक आर्थिक लाभ के लिए संकेत करती है। साथ ही आपकी वाणी किसी को प्रभावित करने के लिए सक्षम होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। आपके कार्य क्षेत्र के कुछ अधूरे काम चले आ रहे हैं, उनके पूरे होने का समय हो चुका है। हालांकि अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता बनी हुई है। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश की कुछ योजनाएं पूरी होंगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के सुधार और आर्थिक लाभ के प्रति प्रयास की मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही चल रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। काम करने के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह बना रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा और नई योजनाओं से संबंधित यात्रा का योग बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सहयोगी रहेगा और सफलता की उम्मीद लगी रहेगी। कुछ रुकी हुई विवादित योजनाएं भी संपन्न हो सकती हैं और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय लेने के लिए सहयोग करेगा, मगर अनचाही यात्रा और व्यय की स्थिति संभावित है। मंगल केतु की युति आर्थिक लाभ और आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेंगे, मगर विभागीय कर्मचारियों या कार्य क्षेत्र में लगे हुए सहकर्मियों से मानसिक दबाव पैदा हो सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक होगा, मगर कार्य योजनाओं की निरंतरता प्रभावित नहीं होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।